मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। सोमवार को मधुबनी लोकसभा चुनाव प्रारंभ होते मधुबनी के डीएम एवं पुलिस अधीक्षक संवेदनशील अपने परिवार के साथ मतदान संवैधानिक दायित्व का निर्वहन किया। वहीं मधुबनी एसपी ने बूथों का निरीक्षण कर संतोष दिया। उन्होंने कहा कि उपद्रवी तत्वों पर नजर रखी जा रही है। मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के केवटी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत केवटी प्रखंड क्षेत्र के सभी 195 बूथों पर सोमवार को शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न हो गया। करीब 54% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 61% महिला मतदाताओं ने 47% पुरुष वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। साथ ही साथ जिला के कई अधिकारी भी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर मतदान कार्य का जायजा लेते दिखे। मधुबनी लोकसभा निर्वाचन 2 बजे तक का मतदान प्रतिशत 36.25% रहा, तो वही 3 बजे तक का मतदान 42.65% रहा। 4 बजे तक का मतदान प्रतिशत 48.75% रहा और 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत 52% रहा और 6 बजे तक का मतदान प्रतिशत 55.55% रहा। दरभंगा जल संसाधन विभाग के बोरा गोदाम में अचानक भीषण आग लगने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। इसको लेकर लोगों ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। इसके बाद घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। मधुबनी जिले के झंझारपुर उपकारा में एक विचाराधीन बंदी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। मृतक बंदी फुलपरास अनुमंडल के नरहिया गांव निवासी राजकुमार साह का 45 वर्षीय पुत्र अशोक साह बताया जा रहा है। मृतक बंदी मारपीट के एक मामले में झंझारपुर उपकारा में न्यायिक हिरासत में बंद था। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक बंदी के शव को उपकारा के कैदियों और बंदियों ने काफी देर तक बंधक बना लिया था और जेल प्रशासन पर मौत का आरोप लगा रहे हैं। एक पति गीता देवी से घूस लेकर के थाना प्रभारी मिल करके मेरे पति को मारा है। जेलर से मिल करके मारते मारते मार दिया है उसको। कुछ नहीं मिलने आते थे तो आधार कार्ड नहीं मानेंगे, पहचान पत्र लाओ, पहचान पत्र का फोटो कॉपी नहीं मानेंगे, ओरिजिनल लाओ। 100 घंटा करके हमको 1000 बार घुमाता था, एक तो दवा नहीं देता था, दवा हम घर से पहुँचाते थे और फिर भी जेलर सब हमको परेशान करके मेरे पति को मार दिया है। तो वही घटना की जानकारी मिलते ही मृतक की पत्नी विभा देवी सहित दर्जनों लोग उपकारा पहुंचकर हंगामा करने लगे और जेल प्रशासन पर साजिश के तहत मारने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जब वह जेल में अपने पति से मिलने जाया करती थी तो जेल प्रशासन द्वारा उन्हें उनके पति से मिलने देने में भी कठिनाई उत्पन्न किया जाता था और उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उनके पति की मौत सही वक्त पर दवा मुहैया नहीं करने की वजह से हुई है। प्रशासन के द्वारा काफी मान मनोबल के लोग शांत हुए, अलबत्ता जो भी हो पर जेल में एक कैदी की इस रहस्यमय मौत लोगों के बीच तरह तरह का चर्चा का विषय बना हुआ है। मौके पर कई थाना के पुलिस उपकारा पहुंचकर मामले की छानबीन में है। एसडीएम अंशुल अग्रवाल और एसडीपीओ अमित शरण भी उपकारा पहुंचकर छानबीन में जुटे हुए हैं। अमित शरण ने मामले की जाँच कर दोषियों को सख्त कार्रवाई का मृतक के परिजन को भरोसा दिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया है। प्रभारी जेल अधीक्षक के द्वारा फोन किया गया कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है जेल में और उसको लेके कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं। तो सूचना प्राप्त होने पर कुछ बल के साथ और अगल बगल के थानों के साथ और अनुमंडल पदाधिकारी के साथ मैं यहाँ पर आया। उसके बाद उस लाश को अपने कब्जे में किया, इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की तो पता चला कि अशोक कुमार शाह है, वो लौकही केस नंबर 35-19 के एक्यूज थे, वो यहाँ पे जेल में बंद थे। उनकी मृत्यु हो गई है आज सुबह और लोगों का कुछ लोगों का कहना था कि उच्च रक्तचाप से पीड़ित थे लेकिन इनका समुचित इलाज नहीं होने के कारण से इनकी मृत्यु हो गई है। तो लाश और अन्य एजेंसीज को भी सूचित किया गया है, इसमें जज जुडिशियल स्टेट को भी यहाँ पर सूचित किया गया है। तो
5 मई को शहर के कोतवाली चौक नाका नंबर 5 पर आबदी कॉम्प्लेक्स में नेशनल डेंटल हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन सैयद शाह सफदर यूसुफ के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर शहर के मशहूर डॉक्टर के अलावे शहर के अधिक संख्या में गणमान्य अतिथियों ने हिस्सा लिया और विचार दिया कि अब दरभंगा शहर में भी अन्य महानगरों की तरह डेंटल की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा लोगों के दांतों का इलाज इस शहर के नेशनल डेंटल हॉस्पिटल के द्वारा संभव हो पाएगा। बहुत अच्छा है कि यहाँ डेंटल जो है लोगों के पेशेंट सबका सेवा हो। बहुत अच्छे डॉक्टर है और बहुत गरीब फॉरवर्ड डॉक्टर साहब है, ये पूरा खानदान थोड़ी खिदमत कर रहे हैं, अपना कुछ तालियों के सिलसिले में खिदमत कर रहे हैं और ये डॉक्टर साहब अपना पेशेंट सब का अपना करेंगे, सेवा करेंगे। अपना क्या नाम हुआ? सैयद शमसुल्लाह जान। से भरपूर है, आप यहाँ आएँ और एज फास्ट एज पॉसिबल हम कुछ सर्विस देंगे विद इन पर्टिकुलर टारगेट टाइम पे कम्प्लीट करें। हम सबसे पहले कम्युनिटी के लिए जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं लाइक वन डे सर्विस, वन आवर सर्विस, जैसा पेशेंट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग जल्द से जल्द। अगर आप पढ़ाई की बात करें, प्रैक्टिस की बात करें तो कहाँ से की है? हमने अपनी BDS डिग्री यहाँ दरभंगा मिथिला मिनोरिटी डेंटल कॉलेज से की थी और हमने पोस्ट ग्रेजुएट बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बरेली से की। क्या नाम हुआ? डॉक्टर नाज़िया आब्दी। दरभंगा से किया था और फिर आगे की पढ़ाई MDS हमने बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से किया था। उसके अलावा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में हमने ट्रेनिंग ली है लिंगुअल ऑर्थोडोंटिक्स की। उसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हमने टेम्पररी एंकिस डिवाइस हमारे और आगे के ये सब पढ़ाइयाँ हैं, तो हमने BHU से भी ट्रेनिंग ली है, एम्स से ली है, MDS हमने बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से किया है। इस तरह का सुविधा गरीबों के लिए आपके सस्ता इलाज दे। जब कोई पेशेंट हमारे यहाँ पेरीफेरी से गांव से आता है तो उसको इस बात का इत्मीनान होना चाहिए कि हमें वहाँ पे ठहरने का, अगर अस्पताल में एडमिट होने का, जो कि एक डेंटल क्लिनिक पे नहीं होता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एडमिट करने के भी बेड लगाया है रात को ठहरने का, तो वो सारा चीज़ बहुत ही कम रियायती दरों में। और चूँकि हमारा एक मेडिकल बैकग्राउंड है हमारी फैमिली का इस शहर के अंदर, तो हम अपने बुजुर्गों से भी गाइडेंस लेते हुए कम दाम में और हर तरह की तस्वीर देने की कोशिश करते हैं। कहाँ पर खोले हैं क्लिनिक? जैसा कि आप देख सकते हैं नेशनल डेंटल हॉस्पिटल नाका नंबर 5 पावर हाउस के निकट, कोतवाली चौक के निकट है बिल्कुल। और इस हॉस्पिटल की बस जो एक खास बात ये है कि आप देख सकते हैं कि डेंटल के जो अलग अलग 4 से 5 विभाग होते हैं उसके लिए हमने हर विभाग के लिए अलग अलग डॉक्टर्स, अलग अलग स्पेशलिस्ट, जिसमें से एक स्पेशलिस्ट मैं हूँ, मेरी वाइफ है, सबके लिए अलग अलग चैम्बर और अलग अलग इंतजाम किया है। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर असद यूसुफ। वहीं दूसरी तरफ अब्दुल वासित ने कहा कि हॉस्पिटल में आर्थोडेंटिस्ट, डेंटोफिशियल, आर्थोपेडिक्स विशेषज्ञ डॉक्टर असद यूसुफ उपलब्ध रहेंगे, तो वही डेंटिस्ट की विशेषज्ञ डॉक्टर नाज़िया इलाज करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यहां टेढ़े मेढ़े कुकुरदत्ता, RTC, जबड़े की हड्डी, स्क्रू आदि कार्य के लिए विशेषज्ञों की सेवा उपलब्ध रहेगी। मौके पर डॉक्टर गजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मनोज कुमार एवं डॉक्टर SAH आवदी सहित शहर के जाने माने चिकित्सक एवं कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। ट्राई कलर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किसानों की जमीन जबरन कब्जा कर प्लॉटिंग करके बेचा जा रहा है। किसानों के द्वारा कई बार आवेदन भी दिया जा चुका है लेकिन अब तक जिला प्रशासन से किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई इस कंपनी पर नहीं की जा रही। इस प्लॉट में ये मैं जमीन खरीदा है, उसके बीच में मेरा एक प्लॉट है और उस प्लॉट में हमारा लगभग 5 साल से कोई उपज नहीं होता है, जिसका मैंने आवेदन दिया कलेक्टर के यहाँ, SP के यहाँ, DSP के यहाँ, थाना में। आज तक उसका हमको कोई जो है रिस्पॉन्स नहीं मिला। एक बार DSP साहब, इनवास साहब के उस समय इन लोगों को बुलाया गया, हमको भी बुलाया गया, जो दिलनवाज साहब ने कहा भाई इनका जो मैटर है इनको आप लोग सॉल्व कीजिए। उससे पूर्व में थाने पे बैठा कोई कि भाई इसमें पानी जम जाता है, इसलिए इसका परमानेंट समाधान हो
तो उन लोगों ने कहा कि ये बांस के किनारे से जो है हम होम पाइप डाल देंगे जिससे पानी आप लोगों का निकल जाएगा, लेकिन आज तक वो मामला क्लियर नहीं हुआ। हम लोगों की जमीन जो है ऐसे पड़ी हुई है बेकार, जमीन का मामला। कंपनी के द्वारा फर्जी ढंग से सैकड़ों एकड़ जमीन, बिहार सरकार शिक्षा विभाग के जमीन को भी अधिग्रहण कर प्लॉटिंग कर कंपनी के द्वारा बेचा जा रहा है। कई किसान ऐसे भी हैं जो बाहर रह रहे हैं और एक भाई से रजिस्ट्री करवाता है तो दूसरे भाई को भी जमीन जबरन कब्जा कर बेचा जा रहा है। इस संबंध में जमीन मालिकों का कहना है कि कहीं न कहीं अधिकारियों की भी मिलीभगत है। अरे 5 कट्ठा जमीन हमारा उन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, जाते हैं तो प्लॉट पे जाने नहीं दे रहा है। 5-6 साल से जो है बांध दिया जबरदस्ती गुंडागर्दी से। कौन लोग है? वही की कंपनी वाले ने बांधा है। कौन कंपनी? कंपनी यही है का ट्राई कलर पार्क में। ट्राई कलर हम रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हम दिल्ली रहते हैं। पेपर पूरा आपके पास है? हाँ पेपर मेरे पास है। क्या बोला अगला आपको? वो कहता है हमने खरीदा तुम्हारा कुछ है ही नहीं है। आपने इसकी जानकारी आगे दिया? हमने दिया, एसपी को भी दिया और अभी तक ये सब कुछ हमारे पास एसपी भी सीओ भी उनके हाथ भी के हुए हैं। सीओ क्या बोले आपको? सीओ बोले कि जो हम कुछ नहीं जानते हैं वो जाने वो। तो डीसी लाल के यहाँ गए? हम वहाँ नहीं गए, हम एसपी तक जो है गए। जानकारी जिला प्रशासन को इसकी दी गई थी लेकिन अभी तक उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत सारे किसान हैं जो मेरे गाँव के हैं, मेरे ग्रामीण हैं, उनकी जमीन जबरन कब्जा की जा रही है जिसको लेकर के लोगों में बहुत आक्रोश है। कई बार ग्रामीणों के द्वारा जिनकी ज़मीन है यहाँ पर वो जिला प्रशासन के यहाँ आवेदन भी दिए हैं, थाना पे भी आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक उनके विरुद्ध किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। किसानों ने यह जानकारी दी कि प्रधान की जमीनों पर भी कब्जा किया जा रहा है, कितनी सच्चाई है इसमें? इसका भी प्रमाण हम लोगों ने जिला प्रशासन को दिया है, उसका किबाला है बाजाब्ते कंपनी का जो उन्होंने खरीदा है। भूदान की जमीन है, अनाबाद बिहार सरकार का जमीन का किबाला है, शिक्षा विभाग है उनके मतलब प्लॉटिंग में दिखाया जा रहा है और बिहार सरकार की जो जमीन है उस पर कंपनी के द्वारा अपना सड़क बनाया गया है। एंट्री गेट भी बिहार सरकार की जमीन पर बनी हुई है। इसके संबंध में भी हम लोगों ने कई बार जिला 6 मई को सीबीएसई 10वीं की रिजल्ट घोषित कर दिया गया। 10वीं का परिणाम आते ही दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। विद्यालय के 100% छात्रों ने सफलता प्राप्त की। आलोक कुमार ने 96.2% अंकों के साथ स्कूल में प्रथम स्थान हासिल किया तो वहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे अदिति झा और अंकित कुमार ने 95.8% एवं 94.8% उनका रहा। स्कूल में कुल 198 छात्र छात्राओं ने 10वीं की परीक्षा दी थी जिसमें 100% छात्रों ने सफलता हासिल की। स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर एमके मिश्रा ने बताया कि स्कूल के 32 छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किया है जबकि 86 छात्र छात्राओं ने 80% से अधिक स्कोर किया है जो जिले के सर्वश्रेष्ठ परिणामों में शुमार है। सीबीएसई 10वीं का परिणाम घोषित होते ही बच्चे आनंद विभोर हो गए। वह डीएवी दरभंगा से कुल 173 विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए जिनमें 100% उत्तीर्ण हुए। 97% के साथ अभिनव झा ने प्रथम स्थान हासिल किया। 96.8% के साथ हर्ष कुमार ने द्वितीय और 96.6% अंक के साथ शशांक शेखर ने सफलता प्राप्त की। 90% अंकों के साथ 37 विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट सफलता प्राप्त की। बहादुरपुर प्रखंड के टीका पट्टी दोकली पंचायत के देकुली गांव में भीषण आग लगने से 50 घर जलकर राख हो गई। मौके पर स्वर्ण की ओपी फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ी पहुंची। हवा तेज होने के कारण आग को बड़ी मशक्कत के साथ काबू पाया गया जब तक सभी घर जलकर राख हो चुके थे। एसएम रेजेंसी एसी वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा।
आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम के शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट मिसरटोला दरभंगा। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक आईवीएफ लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू सीबीएसई अप 10+2, न्यू दिल्ली। सीबीएसई नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था। अनुभवी ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था। सीसीटीवी कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। डीएवी पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, सीबीएसई से संबद्ध। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। योग एवं अनुभवी शिक्षक, पूर्णतः सुसज्जित 10+2 उच्च स्तरीय प्रयोगशाला, स्मार्ट क्लासरूम, समृद्ध पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, खेलकूद की समुचित व्यवस्था एवं अनुशासन पूर्ण वातावरण। सीसीटीवी कैमरे से संरक्षित विद्यालय परिसर, स्वच्छ पेयजल के साथ सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें डीएवी पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा।